हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर दी फाइनेंस एंड मैं हिमांशु झा आप सभी का स्वागत करता हूं मिलेनियर्स माइंडसेट के चैप्टर नंबर 3 दैट इज सिक्योर योरसेल्फ फर्स्ट में। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल के बिल्डिंग्स कॉर्पोरेट्स, इन्हें देख के क्या लगता है, इनके जो बेड के चार्जेस होते हैं वो कई सारे 3-स्टार 4-स्टार होटल के चार्जेस से भी ज्यादा होता है। अगर ऐसे में आप बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटलाइज हो जाओ, तो जो मेडिकल बिल्स आने वाले हैं उससे आप रोड पर आ सकते हो। आपकी सारी जमा पूंजी जो आपने बहुत मेहनत से अर्जित की होगी इस वक्त तक, वो एक क्षण में खत्म हो सकता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक डेटा से अवगत कराता हूँ। 7% ऑफ द पॉपुलेशन इज जस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। कई सारे लोग, परिवार ऐसे थे जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, अच्छे बिजनेसेस थे, लेकिन उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है और वो मेडिकल बिल भरते भरते रोड पर आ जाते हैं। ऐसे लोगों की जनसंख्या करीब करीब 5.5 करोड़ लोगों की है। 23% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कैन नॉट अफोर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस। एंड आप सबसे हैरान तब हो जाओगे जब 2001 से लेकर के 2015 के डेटा को जब देखोगे, उसमें से करीब करीब 3,80,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस वजह से आत्महत्या कर ली कि उनके पास पैसे नहीं थे मेडिकल बिल भरने के लिए। तो क्या इस भारी भरकम एक्सपेंसेस से बचा जा सकता है क्या? डेफिनेटली यस, जब आपके पास एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगा और जब आप रिसर्च करने लगोगे कि आपके लिए सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा है, तो आपके पास हजारों ऑप्शंस बाहर निकल करके आ जाएंगे एंड आप कंफ्यूज होकर रह जाओगे कि आप कौन सा चूज करो, कौन सा छुओ। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सा है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे कि वी हु रिक्वायर्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एंड थर्ड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द आइडियल कवर। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो को लिमिट किया है ताकि आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। दोनों पार्ट वीडियो का जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने सेकेंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया है, दैट इज व्हाट शुड बी द चेकलिस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। आपके पास एक रेडीमेड चेकलिस्ट होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मैंने आपको एक फैक्ट एंड फिगर के साथ वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझाया है, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इन केस फिर भी आप अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं लेते हैं तो होगा क्या। आप मान लो बहुत ही मेहनत से अपने पैसे को इकट्ठा कर रहे हो, हर महीने आप जमा कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और एक अच्छा खासा अमाउंट आपने जमा कर लिया। भगवान ना करे ऐसा दिन आए आप बीमार पड़ जाओ या आपके घर में कोई बीमार पड़ जाओ, हॉस्पिटलाइज हो गए और वो सारी जमा पूंजी एक दिन में निकल जाए, तो फिर सोचो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था वो ब्रेक हो जाएगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी है वो वहीं रुक जाएगा। जो मैंने टारगेट लिया है 40 इयर्स में रिटायरमेंट का, वो बहुत दूर चला जाएगा। इसीलिए हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैकेज खरीदना चाहिए। इसी पॉइंट से हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इंश्योरेंस पॉलिसी किसे नहीं चाहिए। जैसे ये भाई साहब हैं बिल गेट्स, इनके पास इतना पैसा है कि वो पूरे इंडिया का एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। अगर इनके घर में कोई बीमार पड़ जाए या खुद बीमार पड़ जाए तो क्या इनको हॉस्पिटल बिल की चिंता होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आप भी 50 के एज में 10 करोड़ 15 करोड़ के मालिक होंगे तो क्या आपको मेडिकल एक्सपेंसेस का चिंता होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मेडिकल एक्सपेंसेस आराम से अफोर्ड कर सकते हो। देयरफॉर दोस पर्संस हु आर वेरी वेल्दी, जिनके पास बहुत पैसे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट दैट मच कंपल्सरी। फिर भी अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, वरना होगा ये कि आपने पैसे तो लगा दिए, इंश्योरेंस ले ली, मगर क्लेम करते वक्त आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा या आपको पैसे बहुत सारे पॉकेट से देने पड़ जाएंगे। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं कुछ पॉइंट इस वीडियो में शेयर करूंगा और कुछ पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। फर्स्ट इज कि हमें सम इंश्योर्ड कितना रखना है अपने पॉलिसी के लिए। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने काम को देखिए, आप जो काम करते हैं वो कितना हैजार्डस है, वो कितना खतरनाक है।
अगर मान लो आप किसी पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पे आपको रेस्पिरेटरी डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होंगे, वहां पे सम इंश्योर्ड आपको बढ़ाना है। मान लो गन फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पे भी आपका हैजार्डस वर्क होता है तो आपका वहां पे रिस्क बढ़ता है हॉस्पिटलाइजेशन का, वहां पे सम इंश्योर्ड आपको ज्यादा रखना है। नहीं तो आप जनरली अगर नॉर्मल वर्क करते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में काम करते हैं, तो आपका सम इंश्योर्ड बच्चों के लिए 3 लाख, अपने लिए 5 लाख से 10 लाख के बीच सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आपके घर में बुजुर्ग हैं जैसे आपके माता पिता, उनके लिए आप 10 लाख रुपए का अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक सम इंश्योर्ड हो गया। अब इसी बात से सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए या इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? फैमिली फ्लोटर का मतलब होता है कि आप एक इंश्योरेंस के पॉलिसी के अंदर आप अपने सारे परिवार को एक छत के नीचे कवर करते हैं, आप अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, सभी का एक साथ। लेकिन इसमें एक डिमेरिट होता है, जैसे कि मान लो आपने एक पॉलिसी कराई जिसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है, उसमें आपने सारे लोगों का कवरेज ले लिया, लेकिन अगर इनकेस कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, जैसे कि आपके माता पिता में से कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और 3 लाख रुपए खर्च हो गए, तो जब नेक्स्ट टाइम कोई हॉस्पिटलाइज्ड होगा आपके परिवार में, तो आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही बचेंगे। कई सारे पॉलिसीज ऐसे भी आते हैं जहां रीस्टोरेशन का बेनिफिट मिलता है, जहां पे वापस से आप 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड रीस्टोर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विस है तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लगता है। तो मेरे एडवाइस में आप एक अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक सेपरेट पॉलिसी लें और अपने माता पिता के लिए एक सेपरेट पॉलिसी लें, क्योंकि वो एक एज में पहुंच चुके हैं जहां पे उनका प्रोबेबिलिटी, जो डिजीजेस का प्रोबेबिलिटी होता है, हेल्थ खराब होने का प्रोबेबिलिटी होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्लेम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये मेरे तरफ से ये एक छोटा एडवाइस रहेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सबलिमिट। आपको ये देखना है कि आपकी पॉलिसी में कोई भी डिजीज के ऊपर अलग से कोई भी कैप ना लगाया जाए, वो पॉलिसी एक्चुअली एडवाइजेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आप सर्जरी कराने जाओ तो आपको 2 ही लाख मिलेगा, आप कोई और डिजीज की ट्रीटमेंट कराने जाओ तो 1 ही लाख मिलेगा। तो ये जो सब लिमिट का ऑप्शन लगता है पर्टिकुलर डिजीजेस पे, वो नहीं होना चाहिए। आप बेसिकली एक ऐसा पॉलिसी सेल करें जिसमें कोई भी कैप ना हो सेपरेटली। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी सारे फैक्टर्स पे भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस झोल से बचना है, क्योंकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे उसके बाद भी अगर आपके पॉकेट से पैसे लग गए, देन देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलेनियस माइंडसेट के सारे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। बार बार मैं ये एडवाइस करूँगा। Thank you so much.